रद्दी माल भर रखा है ना, 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 ना। आज छोरा ठीक लगे है हमारा तो क्यों हाँ अरे छोरा चाहिए मन्ने को क्यों बेटा क्या नाम है तेरा मुन्ना मुन्ना बैठ बैठ मुन्ना बेटा आज तुम आश्रम से जा रहे हो तुम्हारी जुदाई से मुझे कितना रंज है इसका तुम अंदाजा नहीं लगा सकते यकीन जानिए से इस आश्रम के हर अनाथ से मुझे इतना ही प्यार बाकी अपनी औलाद से होता पर मुन्ना बेटा इतनी सब तुम्हारी भलाई के लिए हो रहा है इसलिए सुरंगी लाल हूँ बड़े अच्छे आदमी हैं इज्जत वाले पैसे वाले और व्यापारी हैं 40 एकड़ जमीन है इनके पास हाँ और 2 मंजिला मकान मैंने कहा वो अम्मो के पास की बात तो तुम भूल गए मैनेजर साहब हाँ बेटा इनका एक बहुत बड़ा आमों का बाग है बड़े मीठे मीठे आम होते हैं तुम इनके पास जाकर बहुत सुखी रहोगे ये तुम्हें इतने प्यार से रखेंगे जैसा कि मैं तुम्हें यहाँ रखता था हाँ ना बेटा मैं तारे को नहीं मारूंगा रुपया देगा
रुपया कैसा होता है? रुपया कैसा होता नहीं है? रुपया ऐसा हो जैसे पहिया गोल गोल हर वक्त चक्कर खावे और सौरा कभी कभी सारी दुनिया को चक्कर खिला देवे। सुना सबरा, जब तुम्हारे पास आके रहेगा तो तारे को साफ पता चल जाएगा। हाँ भगवान, तारे को सब याद है। सही बेटा, ये तारी दादी ने, मेरा मतलब है तारी माँ ने बनवाया था कि जब से रंजीलाल का लड़का होगा तो अपने हाथ से पहनाऊंगी। तो वो बेचारी चल बसी, वैसे था नहीं, अब तू ही पहना दे ना। सर देख बेटा, इसे जरा संभाल के रखना, इसमें मैं गायब होने का इसे गले से कभी ना उतारना। अब अपने चीजें समझना, घर मान सा। अब जरा बिजनेस की बात करो। सब गड़बड़ कर दिया, हमारे को पाछा करना पड़ेगा। क्या पूछे हैं? अरे भगवान से बात खुदी पूछ ले ना। मनीजर साहब, अजी रानी पूछे हैं कि तारे पास अनाथ बच्चों के माँ बाप का नाम निशान तो होगा ही? अरे हाँ, वो तो सब हमारे रजिस्टर में लिखा ही रहता है। तो मनीजर साहब, जरा हमारे मुन्ने की जात बिरादरी रानी को बता दे, मैं रुपये की जिद्द। ये तो मालूम होना ही चाहिए कि बच्चे का माँ बाप कौन है और किस जात पात की है। बाजार में घोड़े का खीचड़ा भी ले रहे हैं तो थोक बजा के ले रहे हैं। जी हाँ जी हाँ, मगर सर की बात ये है कि आज 5 वर्ष पहले भी इस इलाके में काल पड़ा था, वो तो आपको याद ही होगा। हाँ जरूर याद है, उसी काल के जमाने में हमारे नाच के व्यापार में हमारे बच्चों का फायदा हुआ था। अरे जी हाँ जी हाँ, जरूर हुआ होगा। उन्हीं दिनों की बात है कि कोई काल की मारी इस बच्चे को मेरे दरवाजे पर छोड़ गई। तो मतलब पल ये हुआ कि इसके जाते जन्म का कोई ठिकाना नहीं, जाने के पूरे के ढेर से उठा लाया हूँ मांगा 500 रुपये। लाइए जी से 400 रुपये। 400 रुपये देखिए नकली माल, ये धंधा नहीं सके रंजी लाल ने नहीं। अच्छा चलिए 200 में फैसला की जी, मांगा जब नहीं है। अच्छा लाइए, सॉरी लाइए, मैं चाहता हूँ 50 रुपये भी दे दूँ। अच्छा सिर्फ मेरी बात सुनिए, देखिए कुछ दूसरा पसंद कर लीजिए, मेरे पास ब्राह्मण क्षत्रिय बनिया सब जात के मौजूद है। उसका मन में कोई पसंद नहीं, चलो जी दो अनाथ आश्रम और है वहीं से ले लेंगे। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, आश्रम में नहीं होती। तो माँ कहाँ है बाबूजी? मुझे क्या मालूम, तुझे यहाँ छोड़ जाने के बाद आज तक तो कुछ नहीं आई, पहुँच गई होगी भगवान के पास। भगवान कहाँ रहता है बाबूजी? भगवान का क्या पता है, मेरी माँ कहाँ है, इसका तुम खराब है, मेरी जान खा रहा है। अब ज्यादा बकवास की तुम मर मार के खाल उधर दूंगा, चल निकल यहाँ से। रहता है नहीं, नहीं। अच्छा मंदिर उधर जाओ।
क्या है बेटा, तेरी माँ मंदिर आई थी क्या? मंदिर? नहीं नहीं, मास्टर जी कहते थे तेरी माँ भगवान के पास चली गई है। भगवान यही रहता है ना, उससे कहो मेरी माँ से मुझे मिला दे। तो वो तो आकाश पे रहती है बेटा, वहाँ ऊपर। तो इतना ऊपर किस सीढ़ी पर चढ़कर जाऊंगा? ऐसी कोई सीढ़ी नहीं है बेटा, जब तक भगवान खुद न बुलाए वहाँ कोई नहीं जा। तो भगवान से कहो मेरी माँ को वहाँ बुला लिया है तो मुझे भी वहीं बुला ले। जमाना आया जिसकी जेब देखो फटी हुई, जिसका बटवा देखो खाली। इस दुनिया में शरीफ आदमी का गुजारा होना मुश्किल हो गया। ये बटवा आपका है बाबूजी? हाँ। तेरे गले में क्या है? शेरजी ने दिया था, कहते थे असली सोना है सोना। ला मुझे दे दे। नहीं, नहीं जी ने कहा था ऐसे कभी गले से ना उतारना। कभी ना निकाल। तो मेरा पीछा क्यों कर रहा है? भूख लगी। भूख लगी? भूख तो मुझे भी लगी है। पैसे हैं जेब में? क्या खाएगा? बिस्कुट। बिस्कुट, चल। बिल्कुल ज्यादा पैसे फिर मिलेंगे। जा जा।
बत्ती किसने जलाई? कौन है? कचारी मरे जाना ये अतिया किसे मिला नाना ओ मिला नाना मार कचारी मरे जाना गौरी फिर आई तू यहाँ होली में झाड़ू देती बत्ती जला दी तो क्या गजब कर दिया जरा देख तो कितनी बढ़िया तस्वीरें लगाई गौरी मैंने कितनी बार काम चाहिए छेड़छाड़ पसंद नहीं निकल यहाँ से निकल ए मेरे दिल कहीं चल 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 निकल ये फिल्मी रोग भी अजीब है इसको दादा कहाँ रहता है दादा वो देखो मामा क्यों बे यहां भी आ गया तू घर क्यों नहीं जाता घर नहीं है तो अच्छा सो जा यहां याद रख सिर्फ आज रात के लिए सिर्फ आज रात के लिए भूख लगी है भूख लगी है मैं अभी तेरी और अपनी दोनों की भूख का प्रबंध कर रहा हूं हलवा पूरी खाएगा बर्फी खाएगा पेड़े खाएगा रसगुल्ले खाएगा ये सब क्या हो रहा है ये मुर्गी तेरे पास कहाँ से आई अच्छा तुम्हारे घर आ गई चोरी का माल है चोरी क्यों हुई मुर्गी इतनी खुशी से मेरे घर आई तो मेरी हो गई अच्छा अब ये मुर्गी अपनी खुशी से मेरे घर आई तो मेरी हो गई मैं भी तो अपनी खुशी से तेरे घर आई हूँ तो तू भी मेरी ले अपनी मुर्गी अब चलती फिरती नजर आ मेरी मुर्गी कौन जाने किसका है सड़क में मारा मारा फिर रहा मेरे पीछे पड़ गया क्या नाम बेटा तेरा क्यों भी तेरा कभी दिल नहीं चाहता अपनी गृहस्थी हो अपनी औलाद हो नहीं तू चली आ यहां से पगली कहीं कि वो अच्छी है और मैं बुरा वो बुली है और मैं बदमाश वो गौरी है और मैं गुंडा गुंडा क्या होता है गुंडा वो होता है जो दूसरों की जेब काटता है डाका मारता है खून करता है क्यों करता है अपना पेट भरने के लिए ये सारे पाप करता है फिर भी भूखा रहता है मैं भी भूख लगी
ये लो। है? ये कहाँ से आया? वो ने मैं पढ़ा था। बोले कि मुर्गी देख रही थी। सही वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। कहीं से दो रोटियाँ मिल जाए तो फर्स्ट क्लास डिनर हो सकता है। मुन्ना? तो फिर आई, मुझे भीख मंगा समझ रखा है क्या? जब देखो रोटी लिए चली आती, मुझे नहीं चाहिए तेरे हाथ की पकी रोटियाँ। और ये अंडा भी ले जा, तेरी मुर्गी यहाँ दे गई थी। मैं तेरे लिए पूरी लाई हूँ, तो मुन्ना के लिए लाई हूँ। पेट भर के खा लीजिए, तू खाना शुरू कर, मैं अभी आमलेट बना के लाई। आमलेट? आमलेट मगर तुम्हारे लिए नहीं, मुन्ना के लिए। हो गया फर्स्ट क्लास डिनर तैयार। पगली गई। गौरी वो समझी मैं तेरा बाप हूँ। बाप? बाप क्या होता है? बाप? बाप बाप होता है, हाँ बाप वो होता है जो बच्चे को खाना खिलाता है। और बिस्किट भी खिलाता है? हाँ बिस्किट भी खिलाता है। और चाय भी पिलाता है? हाँ चाय भी पिलाता है। जैसे तुम भी कुछ ज्यादा? हाँ जैसे। नहीं नहीं मैं तेरा बाप, मैं तेरा बाप कैसे हो सकता? बस ज्यादा फर्क मत कर, गुराए पढ़कर सो जा। ए भिकू, ये तू तो बड़ा गुंडा बनता है, ये बड़ा चाकू ये पीता है मगर भूखा मर रहा है। और इतने से ठोक रही है सोने का लाकेट नहीं छीन जरा सा छोड़ता, जा भी गया तो क्या हुआ? दबा दे इसका गला, इसे लाश को सामने रेल की पटरी पर। अभी अगली गाड़ी आएगी और इसका नाम निशान नहीं है। कुछ नहीं कुछ नहीं, यूं ही देख रहा था। सोया या नहीं? नींद नहीं आ रही दादा। क्यों क्या हुआ? डर लगता है। डर? डर किस बात का? यहाँ कोई तेरा गला घोटता? मेरे होती हुई चीजें किसका डर दादा? हाँ मैं तुम्हारे पास आकर लेट जाऊं? बहुत
बताऊं राजा भैया, बिल्कुल अकाल का जमाना आया। जिसका खीसा काटो खाली, जिसका बटवा निकालो उसमें एक ठेला नहीं, ये तो कब का तुम्हारा कर्जा चुका दिया होता। अमीर से चाल चलता है, सीधी तरह निकाल दे पूरी रकम, नहीं तो क्या जान से मार डालोगे? जाओ नहीं देता जो जी में आए कर लो। ये आज शाम तक मेरे 50 रुपए मिल जाना चाहिए। पुलिस तो तुझे बाद में पकड़ेगी, इससे पहले मैं तुझे थाने पहुंचा कर आऊंगा। नहीं नहीं राजा भैया, जरासी को मोहलत दो, एक दिन में इतनी बड़ी रकम कहां से लाऊंगा? मैं नहीं जानता, कहीं चोरी कर, टाका डाल, किसी का गला काट। चलो तो गौरी, मुन्ना चला गया। मुन्ना चला गया? मैं उसे ढूंढने जा रहा हूं। और अगर ना मिला तो? मैं सारा शहर छान मारूंगा गौरी, अगर नहीं मिला तो थाने में रफा दिखाऊंगा। पुलिस उसे जरूर ढूंढ निकालेगी, आज नहीं तो कल पुलिस हर एक को ढूंढ निकालेगी। थाने रफा लिखवाने जाएगा? पुलिस तो खुद तेरी तलाश करे। मैं जानता हूं गौरी, यह कर्जा तो चुकाना ही होगा। मुझे वापस आने में देर हो जाए, शायद कई महीने लग जाए। तुम फिक्र ना करो, जब भी वापस आओगे अपने घर को हमेशा की तरह साफ सुथरा करो। गौरी, अगर मुन्ना आए तो उसे कहना अब भी कुछ न करे। कहना भीखू ने अपना चाकू तोड़ दिया हमेशा के। और कुछ नहीं कहना? तुझसे कुछ नहीं कहना। तू क्या समझे, तेरे माँ बाप से बात कर तो आपकी देखो समझ। देखो का तो कद है और पहुंचना चाहते हो आकाश तक। अरे सहना है तो सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर आओ। आओ आओ शाबाश, आ जाओ। आओ
क्यों? क्या हुआ? सीढ़ी पर चढ़ने से डर लगता है क्या? हे भगवान, कैसे कैसे अनाड़ियों से पाला पड़ता है। खैर, तुम ऊपर नहीं आते तो मुझे नीचे आना पड़ेगा। क्यों, कहाँ रहता है? अरे पगले, इसमें मुंह बनाने की क्या बात है? ये क्यों नहीं कहता कि फुटपाथ पैलेस में रहता हूँ, जहाँ बम्बई के सब शरीफ आदमी रहते हैं। क्या नाम है तेरा? मुन्ना। और अपना नाम है लक्ष्मण जी, राम जी, हनुमान जी, पोस्टर चिपकाने वाला एंड कंपनी, समझा? वैसे लोग अपने को लखिया कहते हैं, मगर जिम में कौड़ी नहीं है। बस इसी बात पर मिलाओ हाथ। अरे बेटा, इस शहर से पंजा लड़ाना है तो हाथ में ताकत पैदा करो, वरना मार खा जाओगे। सुन, अपने को एक असिस्टेंट, तू अपने साथ काम करेगा? सीढ़ी पर चढ़ सकेगा? तो जाओ हवा खाओ, जब सीढ़ी पर चढ़ने की हिम्मत पैदा हो जाए तब अपने पास आना। जाओ किसको? ए मुन्ना, ये देख तेरी जैसे धोनी गिर गई। अच्छा, तो ईमानदारी की बीमारी भी है बेटा को, तो तू कभी लखपति सेठ नहीं बना। ये मैं तुझे देता हूँ। मेरी कमी नहीं। अरे तो भीख कौन दे रहा है? मुझे क्या सेठ साहूकार कौन रखा है? तूने बुरुष उठा कर दिया था ना, बस उसी की मजदूरी दे रहा हूँ। लखिया मजदूर है मजदूर, न मुफ्त काम करता है न मुफ्त काम लेता है। ये ले। ए मुन्ना, ये जिंदगी की सीढ़ी है बेटा, धरती से आकाश तक जाती है।
Thank you.
Thank you.
अरे बच्चा गायब है, वो तो काम भी नहीं, जल्दी बाहर है, जल्दी बाहर। इधर आवे मुन्ना, ये क्या कर रहा है तू? मरने का इरादा है क्या? यहाँ पे कुछ काट लेता तो फिर मेरे चूप पर आकाश तक नहीं जाती। नहीं मेरे भाई, ये आकाश तक नहीं जाती, ये सब तो मदारी के कर्तव्य है, सचमुच छोड़े जाती है ये आकाश पर। तो फिर मैं माँ से कैसे मिलूंगा? माँ से कैसे मिलूंगा? अरे तू तो कहता था तेरे माँ बाप है ही नहीं। माँ है मगर वहाँ उसे भगवान ने बुला लिया है। बेचारा, आ बेटा मेरे पास आ, तुझे माँ चाहिए ना? आज से मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरा बेटा बनेगा ना? मुन्ना तुम्हारा बेटा बनेगा ना? अच्छा बेटा जा अंदर सो जा, सुबह तमाशा करना है, जा सो जा। कहाँ रहता है? मदारी जी के पास। मदारी कहाँ से भगा कर लाया है तुझे? नहीं, मैं तो कुछ रह रहा था, अपनी माँ को ढूंढ। जानता है तेरी माँ कहाँ रहती है? मैं जानता हूँ। तुम जानते हो मेरी माँ कहाँ रहती है? हाँ हाँ, उसने तो मुझे भेजा है तुझे ढूंढने के लिए, लेकिन इसका किस तरह इंतजार कर रही है? माँ मेरा इंतजार कर रही है, तो जल्दी चल चल। लगा लो बहुत बड़ा दुबला मरियल सा है, इसे भीख तो खूब मिलेगी। बाबा चलो गिरे। थैंक यू बहुत। सबसे पहले जो चीज बच्चे को चाहिए वो है खाना।
बच्चों के भविष्य के लिए बड़ी बड़ी स्कीमें बनाने से कोई फायदा नहीं जब तक उनके भूखे पेट भरने का इंतजाम न किया जाए। वो वक्त सब भूखा है बाबा, एक ना भगवान के नाम पे बाबा। अरे कौन मुन्ना, अभी तू तो कहता था मैं कभी भीख नहीं मांगूंगा, अब क्या हो गया तुझे? दादा मारता है। दादा? कौन दादा बे? जग्गा दादा। अच्छा तो तू भी उसके जंगल में फंस गया है? क्या कोई बात नहीं, बैठ जा, जानता है मैं भी उसी पाठशाला का पढ़ा हुआ हूँ। तुम भी? हाँ मुन्ना मैं भी, यकीन नहीं आता तो ये देख, समझा मेरे भाई? भाई? भाई क्या होता है? अरे भाई भी नहीं जानता, भाई भाई जो जो तेरा भाई हो। खबरदार जब कभी भीख मांगी हो। फिर क्या करूँ? क्या करे हैं? काम नहीं चलेगा बेटा, लोग अखबार खरीदते हैं नई चटपटी मसालेदार खबरों के लिए। अगर दुनिया में हर जगह अमन चैन शांति हो जाए तो ये अखबार कौन खरीदे? तू वाकई में मुन्ना है, तो चाहते कैसे इसके अखबार में बताता हूँ। हाँ आ गया आज का ताजा पेपर, आ गया बड़ी बड़ी खबरें आ गई। अमेरिका में नया एटम बम फट गया, जापान में भौचाल आ गया, बम्बई में चावल गला चलट गया, बम्बई में चावल गला चलट गया। आ गया ताजा पेपर देखा मुन्ना, क्यों बिकते अखबार? हाँ ये फटी तो नहीं है ना? अच्छा मजा तुम पेट संभाल के रखियो भाई। ऐसा ही होता है ना जैसे तू। हाँ मेरे भाई। पहली बार दे रहा हूँ, शायद तेरी किस्मत सही नंबर निकला है। क्या नाम क्या तुम्हारा? मुन्ना। अच्छा देख शाम को लौटते समय तुझसे ही लूंगा फिर। हाँ
दादा वादे की थी सहाला दाह कमिया है सहाला दाह जेम सेठ जी के भाड़ा वाला लो बंडोबस्त किडो के नसीब मिलेगा काले आप जो हाँ काले आप मिलेगा मिलेगा ये रहूं कल की कुछ इतने एकदम अखलाक प्यारी मोहिनी अरे मैं रेस की बात कर रहा हूँ छोकरियों की नहीं छोकरी नहीं थे घोड़ी घोड़ी प्यारी मोहिनी हाँ हाँ क्या फार्म है बिजली भाई साहब हो देगी चौकी से अंदर की खबर लाया हूँ चौकी से चलिए उत्तर अपने सवा रुपये लगा सवा रुपये दस पाँच सौ लगा था सही पाएंगा अरे अपनी किस्मत बड़ी तेज है आई सुबह सुबह चक्का निकला जबलिंग जबलिंग बाई से मत कहना कल देखना सही फंसी कहा जाएगा मैंने कहा हम आ गए वो तो मैं भी देख रही हूँ कौन से तीर मार आए हो हमने दिल्ली से सिर्फ चाय मिलेगी मिल जाएगी खबर कर ये कहाँ है मुझे क्या मालूम होंगे यहीं पे लेते जाओ भाग ये लो दादा बस एक हाँ बस आज एक ही ले मुन्ना तू भी ले अच्छा ये किसका बच्चा ले आए हो इसे भी अपना ही बच्चा समझो अरे क्या कह रहे हो फिर आपने कुछ काम नहीं थे मैं किसी का लेके पाल लूं अरे भाग्यवान इसमें इतना बिगड़ने की क्या बात है बेचारा अनाथ बच्चा है सड़क पे पड़ा था मैंने सोचा हम ही पाल लेंगे जहाँ दस है वहाँ ग्यारह ही सही बाबा फिर तो हमारी क्रिकेट टीम बन जाएगी बाबा फिर तो हमें क्रिकेट का बल्ला लेंगे ना और बॉल और विकेट सब ला दूंगा हाँ सब देखते जाओ बस कल पैसे आने वाले मैं भी तो सुनू ये पैसे कहाँ से आएंगे कल पहले मोहिनी आने वाली है ना क्या कहा ये प्यारी मोहिनी कौन है जी क्या मेरे वास्ते सफल लाने वाले हो प्यारी मोहिनी तो घोड़ी का नाम है घोड़ी अब समझिए फिर रेस पर पैसे लगाए जा रहे थे घर में चाहे साका हो बीवी के पास ढंग के कपड़े ना हो मगर तुम जुए में लुटाते रहो वो पर मैंने कौन सी दौड़ चुका दी है एक सौ रुपया तो लगाया सवा सवा रुपया करते ही तो सारी आमनी हारते हो लो ये घर भी तुम ही संभालो मैं चली अपने लेके आ गई फौज की फौज मेरे बाप को क्या जरूरत पड़ी तुम सबको रोटी खिलाए लो जो दुनिया में किसी शक्ति से नहीं डरता अच्छा जो दुनिया में किसी शक्ति से नहीं डरता अच्छा सच्चा एक तारीख से तालीस सो तो क्यों नहीं सो जाओ अच्छा अच्छा जो दुनिया में किसी शक्ति से नहीं डरता अच्छा सच
सच्चा कच्चा भी तो हो सकता है और बच्चा भी तो हो सकता है। अरे हाँ, बच्चा जो दुनिया में किसी शक्ति से नहीं डरता, बच्चा। हाँ, ये आया 40,000। अरे कहीं मिल न जाए 40,000 तुम्हें, न जाने कितने पैसे हो चुके हैं इन पिजड़ियों के चक्कर में। अगर यही सब जोड़े होते तो हजारों हो जाते। हाँ हाँ, मगर इस बार मुझे यकीन है कि ये 40,000 का इनाम जरूर है। और सुन लो, इसके बाद सट्टा बंद, रेस बंद, हर किस्म का जुआ बंद। अरे जाने दो, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। मेरा मुन्ना रोटी खा। अरे अजी ऐसा कौन सा खजाना मिल गया कहीं से जो दौलत लुटा रहे थे? अरे खजाना ही तो मिल गया है पूरे 5,000 रुपए। अरे मुन्ना ले उठा, तू भी खा। बाबा तेरी ही किस्मत से तो ये इनाम मिला है। अपने नाम तो पूरे 17 बरस कोशिश करते रहे, 2 रुपए भी नहीं मिले। अरे बच्चा ही तो निकला, बच्चा ना होता तो अपनी 3 बरस भी होता। तेरा लाख लाख धन्यवाद। शुक्र है आज हमारे घर में लक्ष्मी आई। भगवान जी, लक्ष्मी तो घर में आज से 15 बरस पहले आ गई थी। तुम्हें भगवान के सामने भगवान से क्या छुपा है? मैं सत्यनारायण की कथा जरूर करूँगा। हाँ, हम तमाशा जरूर करेंगे। तमाशा? अरे कौन सा तमाशा? थिएटर करेंगे, थिएटर। जग्गा दादा वो बदमाश मवाली उसकी टोली में से, तुझे जरूर यहाँ चोरी करने के लिए भेजा। बाबूजी मैं सच कहता हूँ, मैं अपने 2 रुपये
निकाल दो इसे बाहर। भगवान, आज तुम्हारी दया से हमारे घर में सब कुछ है। रुपया, पैसा, गहना, जेवर, नाम, इज्जत, मगर बिन औलाद की भी सब बेकार है। आज कितने वर्षों से तुमसे एक बच्चे की भीख मांग रही हूँ। अब तो सभागन की विनती सुनो और मेरी गोद पर मुझे एक बच्चा चाहिए। हुआ बेटे, ये सारा खाना मेरे वास्ते है। हाँ बेटे, ये सब तुम्हारे लिए है। तुम जल्दी खाना खा कर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कपड़ों का बंदोबस्त करती हूँ। ये सरकार, मैं बीबी जी को बुला के लाता हूँ।
बाप का बच्चा है, मंदिर में मिल गया। मैंने सोचा अगर आपकी आज्ञा हो तो हम उसे बोल लेंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? ये गंदा छोकरा हमारा बेटा कहलाएगा इन गंदे फैक्ट कपड़ों में। मंगू भक्कूमल टेलर के यहाँ टेलीफोन करो, कहो एक बच्चे के कपड़े खिलवाने हैं अर्जेंट। मेरा मुन्ना, मेरा बेटा। Yes, yes, yes. और ऊपर जा रहा वो को नहीं बेच डालो, जो मुनाफा आता ले लो। 1 लाख तो 1 लाख ही सही। ओके डैडी, आप हर वक्त टेलीफोन के पास बैठे हुए क्या करते हैं? आप इसकी पूजा करते हैं क्या? पूजा बस यही समझो मुन्ना, इसका बड़ा ऊंचा स्थान है, लक्ष्मी देवी का संदेशा आता है इस पर। जानते हो हर बार जब ये टेलीफोन बजता है तो मेरे कान में कहता है, लक्ष्मीदास तुम 1 लाख रुपए जीते, 1 लाख रुपए हारे। 1 लाख? हाँ मुन्ना, तुम तो बड़े भाग्यवान हो, अभी अभी तुम यहाँ आए, 1 लाख रुपए का मुनाफा हो गया। 1 लाख रुपए के कितने रुपए होते हैं डैडी? 1 लाख रुपए के होते हैं 1 लाख रुपए, यानी 100,000, यानी इतने बहुत रुपए। इतने बहुत रुपयों का क्या करोगे डैडी? इनसे और धंधा करेंगे मुन्ना, और रुपए बनाएंगे। और रुपयों का क्या करेंगे डैडी? उनसे और रुपए बनाएंगे, लखपति कहलाएंगे, करोड़पति कहलाएंगे, मिले खरीदेंगे, बिल्डिंगे बनवाएंगे। मगर डैडी इतना रुपया किस वास्ते बनाते हैं? पेट के लिए मुन्ना, दुनिया में हर काम इस पापी पेट के लिए होता है। डैडी इस आदमी के पास लाखों रुपए हो फिर भी वो भूखा रहे, वो क्या होता है? जिसके पास लाखों रुपए हो और वो फिर भी भूखा रहे उसे अव्वल नंबर का उल्लू कहते हैं। तो डैडी मम्मी कहती है आप भी तो कभी खाने वक्त पर नहीं खाते। कौन मैं? बदमाश। गरम गरम खबरें आ गई है। अरे काकी नमस्ते, क्या कहती हो? बेटे तुझे रही काकी कुछ है, मैं अभी आई। अरे लखिया तू तो हर जगह घूमता फिरता है, तूने इसे कहीं देखा है? ये तो मुन्ना है। तू तो जानता है, तुझे मालूम है ये कहाँ रहता है? हाँ काकी बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ काकी, पहले ये भी अपनी तरह फुटपाथ पैलेस में रहता है, मगर अब देख लक्ष्मीदास के बड़े आलीशान मकान में रहता है, ये लंबी मोटर में घूमता है। संबंध है सिर्फ मैं मुन्ना की माँ हूँ। क्या कहा तुम?
तुम मुन्ना की माँ? मगर वो हम तो समझते थे कि वो मर चुकी है। मर ही चुकी थी मगर अब मैं जिंदा होना चाहती हूँ फैसला, इसलिए अपने बच्चे को लेने आई हूँ। बैठो बैठो, देखो मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, उसे कोई तकलीफ नहीं, हमने मुन्ना को गोद लिया है, हम उसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, वो मेरी सारी दौलत का वारिस होगा, उसका नाम होगा, उसकी इज्जत होगी। इज्जत? गरीब की भी इज्जत होती है सेठ साहब। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं, तुम मुन्ना की माँ हो इसलिए मैं तुम्हारी हर किस्म की मदद करने के लिए तैयार हूँ। रहने के लिए मकान चाहिए, रुपया चाहिए, क्या चाहिए? मुझे अपना मुन्ना चाहिए। दुनिया का सारा कारखाना पैसे से चलता है, बोलो तुम्हारे लिए कितना रुपया काफी होगा? 1000? 2000? 5000? नहीं। हाँ, लक्ष्मीदास बाजार में लाखों का धंधा करता है, वो जिस चीज को खरीदना चाहता है हर कीमत देकर लेता है, 10000, 20000, 50000 जो चाहिए लो, मगर मुझे अपना मुन्ना चाहिए। आप बड़े आदमी हैं, आपके यहाँ हर चीज बेची और खरीदी जाती है, इंसानों का मोल तोल भी होता होगा, मगर मैं अपने बच्चे को बेचने नहीं आई हूँ। तुम ठीक कहती हो, माँ की गोद से बच्चे को छीनने का अधिकार किसी को नहीं, आपने बहुत बुरा किया, एक माँ की ममता का अपमान किया। ये तुम क्या कह रही? मैं ठीक कह रही, इसलिए मैं भी माँ हूँ, मुन्ना की माँ। तुमने मुन्ना को जन्म दिया और फिर तुम उसे किसी अनाथ आश्रम के दरवाजे पर छोड़ गई, जानो उसके बाद उस पर क्या गुजरा, उसने कहाँ कहाँ की ठोकरें खाई, वो गुंडों मवालियों की संगत में रहा, ठीक माँ नौकरी की, चोर कहलाया। जानती हूँ जब वो इस घर में आया तो उसकी क्या हालत थी, कई वक्त का भूखा था, उसके कपड़े फटे हुए थे, उनमें बू आ रही थी, मगर मैंने उसे नया जीवन दिया, अभी जब वो आएगा तो तुम देखना, देखना वो क्या से क्या हो गया है। सुनो बहन, मैं तुम्हें रुपयों का लालच देना नहीं चाहती, मैं जानती हूँ ममता का कोई मोल नहीं, उसी ममता का वास्ता देकर मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुन्ना को हमसे न छीनो। 1 बरस के बाद इस मुन्ने घर में बाहर आई है, भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ था, मगर एक बच्चे के न होने से ये घर उजाड़ था, सुनसान था, अब इस घर को इसके रौनक न छीनो बहन, मैं तुमसे तुम्हारे मुन्ना की सीख मांगती हूँ। नहीं नहीं, अब लोग हमसे सब कुछ छीन लेते हैं, कभी जबरदस्ती, कभी लालच देकर, कभी आंसू बहाकर, आपको भगवान ने सब कुछ दिया है, दौलत, इज्जत, शोहरत, घर, मकान, मगर मगर मेरे पास तो सिर्फ एक ही चीज है, मुन्ना, वो भी मुझसे छीनना चाहते हो। देखो तुम गुस्से में हो, जरा ठंडे दिल से सुनो। मैं कुछ कहना सुनना नहीं चाहती, मुझे मेरा बच्चा दे दो, फिर मैं चली जाऊंगी और कभी अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगी। कहाँ कहाँ है मेरा मुन्ना? मम्मी, मुझे भूख बहुत लगी है। वो देखो बेटा, मैं इस पर तुम्हारा खाना रखा है। Thank you.
डैडी कहते हैं रुपए से सब कुछ खरीदा जा सकता, मगर मुझे जो चाहिए वो इससे नहीं खरीदा जा सकता बेटा। लो बेटा तुम्हें शम्मी का खा लेना। बैठो। लक्ष्मी दास पूरे दाम दिए बिना कोई चीज नहीं लेता, हमें मुन्ना की माँ का एहसान नहीं चाहिए। मुन्ना की माँ? हाँ मुन्ना, जिस माँ की तुम तलाश कर रहे थे, जो तुम्हें अनाथ आश्रम में छोड़ गई थी, यही है वो माँ। माँ? तुम चाहो तो इनके साथ जा सकती हो, और अगर चाहो तो तुम हमारे बेटे बन सकते हो, हमेशा इस घर में रह सकते, मेरी सारी जायदाद की वारिस बन सकते। देने के लिए नहीं थे सब कुछ कर सकता हूँ।